हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसएससी सीपीयू के फिजिकल टेस्ट के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहां पे देख रहे हैं एसएससी फिजिकल टेस्ट। ओके, तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस ना हो जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कैंडिडेट में हाइट की एंड चेस्ट की, ठीक है, तो मेल कैंडिडेट जो है जनरल से बिलोंग करते हैं, उसका हाइट जो है 170 cm होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट जो है नॉर्मल आपका 80 होना चाहिए और उसको एक्सपेंड यानी फुला के 85 होना चाहिए एक्यूरेट। ठीक है, जो हिल्स एरिया में कैंडिडेट हो, मतलब इंडिया के जो जितने भी पहाड़ी इलाके वाले कैंडिडेट हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, या फिर आप इधर देख सकते हैं दार्जिलिंग साइड हो गया, ये सब सारे जितना भी है उन लोगों के लिए हाइट जो है मेजरमेंट है 165। ठीक है, उसमें चेस्ट में कोई कमी नहीं है, चेस्ट में आपको नॉर्मल 80 होना चाहिए और फुला के आपको 85 करना चाहिए। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब यानी एस सी एस टी कार्ड लोगों के लिए 162.5 होना चाहिए हाइट और नॉर्मल आपका 77 और उसके एक्सपेंड करके 82 होना चाहिए। फॉर फीमेल कैंडिडेट जो जनरल से बिलोंग करते हैं, उसके लिए जो हाइट है 157 है और जो मैंने बताया आपको हिली एरियाज एरिया, मतलब जितने भी पहाड़ी इलाके वाले कैंडिडेट है, उसमें जो फीमेल कैंडिडेट है उसका जो हाइट है 155 होना चाहिए और जो एस सी एस टी कैंडिडेट में जो फीमेल की हाइट है वो 154 होना चाहिए। आपको समझ में आ गया कि इसमें हाइट कितने मांगते हैं और चेस्ट कितने मांगते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको बता दें मेडिकल स्टैंडर्ड में आई साइट की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम डिस्टेंस विजन ऑफ 6x6 एंड 6x9 विदाउट वेयरिंग ऑफ ग्लासेस, यानी कि जो मैक्सिमम उसका विजन जो है डिस्टेंस विजन 6x6 होना चाहिए और नियर वाला जो है 6x9 होना चाहिए, यानी कि और विदाउट वेयरिंग ऑफ ग्लासेस यानी कि बिना चश्मे का। ठीक है, एक्यूरेट एकदम, इसमें कोई चश्मा रिक्वायर्ड नहीं करता है। और कैंडिडेट की जो मस्ट हैव नॉट, यहाँ पर नॉट होना चाहिए, नॉक नेक, फ्लैट फुट, वर्कियस वेन और स्क्विंट इन आइज एंड दे शुड पॉसेस हाई कलर। तो मैं आपको ये बता दूँ नॉक नेक क्या होता है, फ्लैट फुट क्या होता है, ये सब स्टूडेंट में नहीं होना चाहिए। नॉक नेक मतलब आपका जो घुटना वो सटा नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट में आपका जमीन से पूरा पैर चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, और वेरिकोज वेन का मतलब हो गया आपका कि जैसे आपका पाँव है तो उसमें नस वगैरह गठियल टाइप का हो जाता है, उस तरह नहीं होना चाहिए। स्क्विंट आइज मतलब ये होता है कि आपका जो आँख है वो सही होना चाहिए, और जैसे किसी का आप आँख देखते होंगे कि एक आँख इधर दिखता है तो एक आँख इधर दिखता है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको फिगर के माध्यम से आपको बस दिखा देता हूँ। फ्लैट फुट का मतलब आप देख रहे हैं, ये जो फ्लैट फुट है ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, अपने पाँव को भिंगा लीजिए, ठीक है, और या फिर खाली ज़मीन पे जहाँ पे आपका पाँव का दाग दिखे आप वहाँ पे अपने पाँव को रखिए। अगर आपका पाँव बीच में जो खाली स्पेस रहता है हल्का सा वो हो तो समझिए कि आपका पाँव सही है, फ्लैट फुट नहीं है। ठीक है, अगर आपका पूरा का पूरा पाँव मतलब प्रिंटेड हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पे दिया फ्लैट फिट का मतलब हो गया प्रिंटेड, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन आइज की बात है हम करें तो ये जो आपका आँख जो दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका बिल्कुल एक आँख ये तो सीधा है, ये टेढ़ा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉक नेक का मतलब ये हुआ कि आपका ऐसा पाँव नहीं होना चाहिए, नॉर्मल में आपका जो ऐसा पाँव होना चाहिए सीधा एकदम, हल्का सा गैप रहना चाहिए बीच में और ज़्यादा भी गैपिंग नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं आप, इस तरह से गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वेरिकेरियस वेन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया ये वाला पार्ट जो दिख रहे हैं आप कि कहीं कहीं इस शरीर में आपका इस तरह से वेन हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं मेल कैंडिडेट के लिए सबसे पहले जो है वो 100 मीटर का रेस है। ठीक है, विद इन 16 सेकंड के अंदर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, दूसरा है 1.6 किलोमीटर रेस जो है वो आपको 6.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, और तीसरा है लॉन्ग जंप 3.65 मीटर्स यानी कि अप्रॉक्स 11 फीट के आसपास हो गया, 11 फीट 97 करके आसपास हो गया आपका, 11 फीट आपको लॉन्ग जंप करना, 3 चांस आपको दिया जाएगा। उसी तरह आप हाई जंप में देख सकते हैं 1.2 मीटर है मीटर से, इसको भी आप मीटर में 3 फीट में चेंज कर दीजिए। ठीक है, 3 चांस आपको दिया जाएगा हाई जंप के लिए। और शॉर्ट पुट यानी कि जो गोला होता है, गोला फेंक तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कंधे पे रख के फेंका जाता है गोला फेंक,
वो आपका 16 LBS का रहेगा, ठीक है। और 4.5 मीटर आपको फेंकना है 3 चांस के अंदर। 4.5 मीटर आप गूगल पे चेक कर लीजिए, 4 मीटर टू फीट, वो आपको बता देगा कि 4.5 मीटर में आपका कितना फीट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट में जो है पहला 100 मीटर रेस जो है वो आपको 18 सेकेंड में कम्प्लीट करना है, ठीक है। दूसरी जो है वो 800 मीटर का रेस है, आपको 4 मिनट में कम्प्लीट करना है। और सी नंबर जो है आपका लॉन्ग जंप, वो 2.5 मीटर है यानी कि 9 फीट के आसपास है, आपको 3 चांस दिया जाएगा, आपको उसका कंप्लीट करना है। और डी में आता है आपका हाई जंप यानी 0.9 मीटर यानी कि 3 फीट, 3 फीट जो है आपको ऊंचा आपको उछलना है यानी 3 फीट। ये सारे जो थे ये फीमेल कैंडिडेट के लिए थे। और मैं आपको इस बात बता दूँ कि ये जो फेज़ टू का एग्ज़ाम है फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, फेज़ टू का एग्ज़ाम है फिजिकल स्टैंडर्ड, अगर आप इसे पास नहीं करते हैं, अगर आप इसे पास नहीं करते तो आप फेज़ जो 3 एग्ज़ाम होगा इसका, उसके लिए आप एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको एनी हाउ फेज़ 2 यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड आपको पास करना ही होगा। मैंने इस वीडियो में जितना भी फिजिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो आपके मन में सवाल थे मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। इफ़ अब भी आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, आप लोग देख के चले जाते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि सब्सक्राइब करके और बगल में बेल आइकन जो है उसे आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे न्यू वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन रूप में मिल जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।